अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाली सभी जातियों को एक सूत्र में बांधने सर्व अनुसूचित जाति समाज छत्तीसगढ़ के बैनर तले प्रांतीय महाबैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश स्तर के अधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सर्व अनुसूचित जाति समाज छत्तीसगढ़ के बैनर तले दुर्ग के विवेकानंद सभागार में एक दिवसीय प्रांतीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अनुसूचित जाति में शामिल 40 जातियों के प्रतिनिधियों को एकजुट कर सभी जातियों को एक सूत्र में शामिल कर प्रदेश स्तरीय संगठन का निर्माण किया गया, जिसके तहत समाज के लोगों को लाभ मिल सके। बता दें कि सर्व अनुसूचित जाति समाज द्वारा किए जा रहे प्रयास से अनुसूचित जाति के लोगों को एक मंच पर लाकर समाज से जुड़े मुद्दे और समाज के लोगों को बेहतर लाभ मिल सके, इसे लेकर परिचर्चा भी यहाँ पर की गई। दुर्ग में आयोजित प्रांतीय महाबैठक में आईएएस विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन महादेव कावरे, डॉक्टर लक्ष्मण भारती, प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र चौरे, ध्रुव लंगूर सोनी, अजीत वैद सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। इस संबंध में शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अधिकारी कर्मचारी तमाम संगठन से जुड़े हुए लोग का उपस्थिति थोड़ा सा अभाव रहा, इसलिए जो है ना शपथ ग्रहण कार्यक्रम को हम लोग स्थगित कर रहे हैं और संपूर्ण रूप से शपथ ग्रहण जो कार्यक्रम होगा पूरा प्रदेश स्तर के लोग यहाँ उपस्थित हो चुके हैं और यह कार्यक्रम जो है ना नियमावली और रजिस्ट्रेशन के उपरांत जो है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम पूरा पदाधिकारियों का होगा। सभी समाज को साक्षी मानकर 44 जाति समाज है और जिसमें 5 जाति हमारे जो अभी OBC से जो आए हैं, सही सारथी थनवार जो है और सारथी समाज, तो उनकी भी हम भागीता को जो है ना हमारे मीटिंग में, रायपुर की मीटिंग में अध्यक्ष महोदय जी भी कह चुके हैं, हमारे संरक्षक मंडल भी कह चुके हैं कि यह कार्यक्रम जो है ना उसी प्रकार से होना चाहिए। और आज जो है हम एक चर्चा परिचर्चा बैठक संपूर्ण विषय को लेकर जो है ना आज यहीं पे ही तय होगा अगला शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के विषय में, और पूरे प्रदेश से लोग आए हैं, ऐसा नहीं है कि यह कार्यक्रम में जो है हमारे बिलासपुर संभाग से उपस्थित हैं, रायपुर संभाग से उपस्थित हैं, बस्तर संभाग से उपस्थित हैं, सरगुजा संभाग से उपस्थित हैं, दुर्ग संभाग से उपस्थित हैं, 5 संभाग और कई जिलों के पदाधिकारी भी यहाँ, हर समाज के लोग जो है ना यहाँ पूरे जो है ना बेलदार समाज, देवार समाज, घासी घसिया समाज, मेहतर समाज, भंगी समाज, मखियार समाज और हमारे महार समाज, जितने भी हमारे समाज जो यहाँ इस सर्व अनुसूचित जाति समाज में आते हैं वो पूरे सभी की भागीदारी और सभी की सोच सर्व अनुसूचित जाति समाज की ओर है और शासन प्रशासन जो हमारे समाज की मूल विषयों पर जो है काम नहीं कर रही है उसको भी जो है ना लेकर यहाँ पे चर्चा और परिचर्चा होगा। देश में जो है जो चीज़ हो रहा है हमारे संविधान को ख़त्म करने की बात, तो उसके लिए तो जो है ना हमने पहले ही तय कर चुका है संविधान हम मिटने नहीं देंगे, संविधान के प्रति भले हम अपनी जान दे देंगे। मीडिया के भाइयों को मेरा सादर नमस्कार और जो देख रहे हैं इस माध्यम से उनको भी मेरा नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है सर्व अनुसूचित जाति प्रदेश स्तरीय छत्तीसगढ़ कार्यक्रम है जो दुर्ग में आयोजित किया गया है, ये हमारे जितने भी अनुसूचित जाति के भाइयों हैं जैसे सतनामी समाज, महार समाज और बेलदार समाज, देवार समाज, इन सभी को एकत्रित करके एक छत्र के नीचे एक आवाज़ बनकर हम अपने पूरे भाइयों को लाना चाहते हैं जो कि अलग अलग हैं, बिखरे हुए हैं, कई भागों में बटे हुए हैं, उनको एक छत्र के नीचे लाकर अपनी आवाज़ बनाना चाहते हैं। समाज में हमारे जो अनुसूचित जाति समाज में है इसमें एक तबका पढ़ लिख कर अच्छे उसमें पहुँच गया है, लेकिन वहीं दूसरा तबका बहुत नीचे है जो कि बहुत दुख की बात है। बाबा साहब ने सूचीबद्ध किया था, शेड्यूल में बांटा था जिन चीज़ों को, उनको हम अब एक साथ लाना चाहते हैं सबकी तरक्की के लिए। पहले चीज़ तो मैं सारे चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे इस सर्व अनुसूचित जाति समाज छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। पहले बार प्रदेश में हमने सोचा कि सर्व अनुसूचित जाति जो 44 फिरके हैं इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में उनको एक करके एक मंच में लाया जाए, जिससे अनुसूचित जाति समाज के जो अन्य जातियों में कुछ बड़ी जातियां हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है, कुछ ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, जो बहुत कम संख्या में है वो अपने बातें शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाते और ख़ासकर विकास के मुख्य धारा से वंचित हो जाते हैं। इसलिए हमें लगा कि नहीं, समदर्शी विकास हो, सभी लोगों के विकास हो,
जब योजना बनती है अनुसूचित जाति के, तो सभी अनुसूचित जाति के जो फिरके हैं उनको लेके बनती है। लेकिन होता क्या है कि कुछ जातियाँ इसका लाभ उठा लेती है, जो बड़ी जातियाँ हैं वो लाभ उठा लेती हैं, जिनके शासन प्रशासन पहुँच है वो इनका लाभ उठा लेती है। लेकिन जो छोटी जातियाँ हैं, जो अपने बातें वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते हैं, उनकी जो विकास आज भी छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति में, जैसे कुछ देवार समाज के हैं, बेलदार समाज के हैं, जो बहुत छोटी जातियाँ हैं, उनकी आज भी विकास देखो, शिक्षा के स्तर देखो, बहुत कम है। राजनीति में भी उनकी कोई पहुंच नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ में सर्विस में भी उनकी कोई उपस्थिति नहीं है। तो हमें लगा कि अनुसूचित जाति समाज को एक लाइन, एक रास्ते पे लाना पड़ेगा और सभी लोगों के लिए समान विकास के रास्ते खुले और शासन के जितने भी योजनाएं हैं अनुसूचित जाति के लिए वो सभी लोगों को बराबर बटे, इसलिए सर्व अनुसूचित जाति समाज छत्तीसगढ़ का हमने निर्माण किया। निश्चित तौर से बहुत कम समय में ये हमारी आज ये तीसरी बैठक है प्रदेश में, और ये तीसरी बैठक में पूरा समाज में जो एक उत्साह देखने को मिल रहा है, सभी जो हमारे फिरके में जो उत्साह देखने मिल रहा है, आने वाले समय में ज़रूर ये संगठन एक ताकतवर संगठन होगा और संवैधानिक अधिकारों के प्रति, विकास के प्रति, शासन और प्रशासन के बीच में जो एक पुल का जो काम होना चाहिए वो काम अनुसूचित जाति समाज छत्तीसगढ़ में करेगा। 33% आरक्षण की बात, सबसे पहले चीज़ 33% को तो बहुत कम मानते हैं, महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि महिला और पुरुष में हम इस देश में भेद कर ही नहीं सकते। 50% उनकी हिस्सेदारी है, 50% पुरुषों की हिस्सेदारी है, 33% तो बहुत कम है। सरकार को इसमें योजना बनाना चाहिए और महिलाओं को 50% आरक्षण देना चाहिए, तभी इनका विकास होगा। आज के समय में जो काम महिलाएं जो कर रही है, जो तेज़ी के साथ जो विकास के दिशा में इस देश राष्ट्र निर्माण में जो महिलाएं जो आज अपनी भूमिका निभा रही है, योगदान दे रही है, निश्चित तौर से भेदभाव करना बहुत गलत है। 33% बहुत कम है। हमारा समाज अनुसूचित जाति समाज, हमारी सोच है, हमारी मांग है कि वो 50% करे। के लिए अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इतना ज़रूर बोलेंगे कि बेहतर कैंडिडेट को सर्व अनुसूचित जाति समाज चुनेगा, जो समाज के लिए बेहतर काम करेगा, जिनकी सोच इस समाज के विकास के प्रति होगा, ऐसे लोगों को हम प्राथमिकता देंगे, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के ये समाज काम करेगा। देखिए, दुर्ग में आज यहाँ पर 44 अनुसूचित जातियों का संगठन, जो सर्व अनुसूचित जाति समाज का संगठन बना है, उसका यहाँ पर सम्मेलन आयोजित किया गया है और ये सभी समाजों को एकता में जोड़ने के लिए किया जा रहा है। इसी तरह का कार्यक्रम और भी जिलों में आयोजित हुआ है, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरह का पूरा कार्यक्रम पूरे राज्य में होना चाहिए। थैंक यू। बहरहाल, सर्व अनुसूचित जाति समाज छत्तीसगढ़ के बैनर तले इस आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।